बिग बैश 2024-25, इसका एडवांस मैच प्रिडिक्शन हम लोग आज देखने वाले हैं और देखेंगे कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कैसा ये पूरा लीग जाने वाला है, कितने जैकपॉट हो सकते हैं, कितने सेमी जैकपॉट हो सकते हैं और कितने ऐसे मैचेज होंगे जिसमें आपको बच के चलना चाहिए ताकि कि बुकी मैचेज से आप सावधान हो सको, और किस तरीके से टॉस रहेगा, मैच कैसा होगा, पिच रिपोर्ट कैसा रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग वीडियो के लास्ट तक डिस्कस कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आपको चीजें समझ में आएगा, क्योंकि जो ये 1 महीने का जर्नी होगा, 1 महीने में आपको 44 मैचेस देखने को मिलेगा और ये 44 मैचेस बहुत कुछ आपके लिए चेंज करके जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे के जाएगा, चाहे वो सेशन में हो, विनर हो, जैकपॉट हो, ये सारी चीजें आप इस लीग में उठा सकते हो। और ये स्टार्टिंग फेज है अब किसी भी लीग के स्टार्टिंग से, यानी कि इसके बाद से टोटल अगले 7 महीने तक लगातार T20 मैचेज आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो 7 महीने का होगा वो ये स्टार्टिंग फेज है और यही से सब कुछ शुरू होगा, और यहाँ पे अगर आपने बहुत अच्छे से बड़ा सा लिमिट बना लिया तो आप देखोगे आने वाले वाले मैचेस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। तो देखते हैं किसे किसे लीग रहने वाला है, लेकिन उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब बात कर लेते हैं इस लीग के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम टोटल बात करते हैं तो ये 15 दिसंबर से लेके आपको 27 जनवरी तक के मैचेज चलने वाला है। इसके अलावा टोटल जो मैचेस आप देखोगे 44 मैचेस आपको टोटल देखने को मिलेगा, टोटल 8 टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। फॉर्मेट की बात करते हैं तो डबल राउंड रोबिन और नॉकआउट फाइनल्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी कि फॉर्मेट में आपको जो है जो BBL के मैचेज होते हैं आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर 44 मैचेज है, 40 जो है वो लीग मैचेज है और उसके बाद से जो 4 मैचेज है जिसमें एक क्वालिफायर होगा, एक जीतेगा वो फाइनल जाएगा, एक चैलेंजर खेलेगा, एक नॉकआउट होगा और उसके बाद से जो है आपको फाइनल देखने को मिलेगा। तो ये जो होता है ना डबल राउंड रोबिन आपको देखने को मिल जाता है। टाइमिंग की बात करते हैं, इंडिया में तो BBL के मैचेस के अलग अलग टाइमिंग रहते हैं, जैसे देखोगे कोई मैचेस जो है आपको 10:30 बजे देखने को मिलेगा, कोई 12:30 बजे से स्टार्ट होगा, कोई 1:30 बजे, 1:45 पे स्टार्ट होगा, कोई 3:45 पे स्टार्ट होगा, और ये 4 टाइमिंग पे जो है अभी मैचेस शेड्यूल है जो कि इंडिया में होने हैं। टोटल वेन्यू की बात करते हैं तो 11 वेन्यू आपको देखने को मिल जाएगा लाइव इंडिया में जो है हॉटस्टार पे, या फिर आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे जो है वो देख सकते हो जहाँ पे ये लाइव चलने वाला है। वीडियो को पूरा लास्ट तक डिटेल्स में कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने स्टम्प ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं जो कि आपको इन सारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको किसी भी तरह का फैंटासी विनर सेशन खेलने के लिए मदद करेगा। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से प्रॉफिट उठा सको, तो ये व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो स्टम्प गुरु सर्च करके, और ड्रीम इलेवन के लिए आप स्टम्प गुरु 11 सर्च करके जुड़ सकते हो, और इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम जो है आपको कुछ इस तरीके का जो है आपको दिखाई देगा, अभी भी शुरू किया है और बहुत जल्दी जो है हम लोग सब कुछ जो है ग्रो कर लेंगे। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा डिटेल्स में, तो आप यहाँ पे जरूर जुड़ जाना क्योंकि यही पे सारी चीजें आपको यहाँ पे आते हुए नजर आएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे टीम्स की, तो टोटल जो 8 टीमें हैं वो कोई बदलाव नहीं है, जो हर साल टीमें रहती है वही टीमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे सिडनी थंडर हो गया, मेलबर्न रेनेगेड्स हो गया, हॉबर्ट हुरिकन्स है, ब्रिस्बेन हीट है, इसके अलावा जो है मेलबर्न स्टार्स है, एडिटा स्ट्राइकर है, पर्थ स्कॉचर्स है, और एक देखोगे तो आपको सिडनी सिक्सर है। अब लास्ट एडिशन के कुछ मैचेस की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सिडनी सिक्सर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लास्ट मैच में दिया था, इसके अलावा सिडनी थंडर का परफॉर्मेंस भी जो था वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस था। रेनेगेड्स का परफॉर्मेंस भी देखोगे तो शुरुआत में जो है थोड़ा सा जो है वो अलग परफॉर्मेंस इनका रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे इनके परफॉर्मेंस जो है ना थोड़े से एक ऑन एवरेज होने लगे। और उसके बाद अगर हॉबर्ट हुरिकन्स की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा था, ब्रिस्बेन हीट का परफॉर्मेंस अच्छा था, स्टार्स की बात करें तो पिछले साल ये बुकी मैचेस के रूप में जो है वो दिखा देता था अधिकतर, एलिटा स्ट्राइकर का मैचेस भी जो है वो अच्छा था, पर्थ स्कॉचर्स की बात करें तो ये भी जो है अच्छे मैचेस दे रहे थे। तो अब ये जो टीम्स है ये टोटल 8 टीमें हैं जिनमें से ऑलमोस्ट 6 टीमें जो है वो ठीक ठाक मैचेस खेलती है, एक दो जो टीमें हैं वो थोड़े से शुरुआत में अच्छा चलती है एक दो मैचेस, और उसके बाद से ये रेड देना बंद कर देती है। तो ये चीज़ को हम लोग ध्यान में रख के जो आगे चलेंगे। वेन्यू की बात करते हैं, टोटल 11 वेन्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से पर्थ स्टेडियम पर्थ है, इसके अलावा जो है सिडनी क्रिकेट स्टेडियम सिडनी है, और वैसे सिडनी के जो है वो 2 ग्राउंड होते हैं, जैसे आप देखोगे सिडनी 100 ग्राउंड भी जो है आपको यहाँ पे रहता है। इसके अलावा MCG जो है वो मेलबर्न का आपको ग्राउंड देखने को मिलेगा, साथ में मेलबर्न के भी जो है 2 ग्राउंड होते हैं, एक डॉकलैंड स्टेडियम मेलबर्न में जो है आपको मैचेस देखने को मिलेगा, इसके अलावा जो है सीमन्स स्टेडियम जिलोंग में मैचेस देखने को मिलेगा, एडलिटा स्ट्राइकर एडलिटी का जो जो होम ग्राउंड है, और विलियम हॉबर्ट में जो है आपको हॉबर्ट्स जो हुरिकेंस है उसका होम ग्राउंड आपको देखने मिलेगा, इसके अलावा ब्रिस्बेन ही में जो है ब्रिस्बेन हीट का जो है वो आपको गब्बा यहाँ पे जो है वो इसका होम ग्राउंड देखने को मिलेगा, और एक जो पिच होता है वो होता है इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम कॉल फार्बर में जो है आपको देखने को मिलता है। तो टोटल 11 जो ये पिचेज है, ये 11 पिचेज जो है टोटल 8 टीमों को अलॉट की गई हैं, और यहीं पे जो है सारे मैचेस
ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो 44 का 44 मैचेज है, ये नहीं 11 ग्राउंड पे बटा हुआ है। अब किसी ग्राउंड पे ऐसा हो सकता है कि एक मैचेज हो, किसी पे दो मैचेज हो, किसी पे सात आठ मैचेज हो, किसी पे पाँच छः मैचेज हो, उस तरीके से जो रहेगा। तो आने वाले टाइम पे हम लोग जब पिच रिपोर्ट की वीडियो डिस्कस करेंगे तो उसके बाद हम डिटेल्स में इस पर चर्चा करेंगे कि कैसा जो है कौन सा रहने वाला है। अब टीम टाइप की बात कर लेते हैं, पंटर टीम की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल का रिकॉर्ड जो था उसे आप छोड़ दो, अभी साल का जो रिकॉर्ड है ना आपको उसको टीम को देखते हुए, जो टीम के प्लेयर्स हैं उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए, सिडनी थंडर, सिडनी सिक्सर और एलिट स्ट्राइकर ये पंटर टीम के कैटेगरी में रहने वाली है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब मैचेज होगा तो आप देख सकते हो कि ये टीम क्यों जो है वो पंटर टीम के कैटेगरी में रहने वाली है, क्योंकि ये टीमें जब भी मैचेस खेलेगी आपको रेट जो है वो हमेशा फेवरेट की तरह जो है वो ओपन होगी, यानी कि बहुत हाईली चांसेज है कि ये आपको बहुत ज़्यादा रेट नहीं देने वाली है। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं घोड़ा मैचेस की, तो जो भी मैचेस जो है वो आपको हॉबर्ट हुरिकन्स का हो, ब्रिस्बेन हीट का हो, मेलबर्न स्टार्स का और पर्थ स्कॉचर्स का, तो ये वो मैचेज है जो कि घोड़ा देने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वो टीमें हैं जो कि आपको 8 पैसे 10 पैसे जो है उड़ा सकती है और वो बिल्कुल घोड़ा मैचेज जो है वो बना सकती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मान लो कि सिडनी सिक्सर और जो है मेलबर्न स्टार्स का मैच होता है, सिडनी सिक्सर जो है 180 रन बना देता है और सिडनी सिक्सर उस समय मान लो 20 पैसा लग जाता है और ऐसा लगता है कि स्टार्स चेस नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, स्टार्स में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि उस 20 पैसे 10 पैसे जो है वो उड़ा के मैच जिता सकते हैं, या इवन जो है आपको मेलबर्न स्टार्स फेवरेट ला सकते हैं, तो वो भी क्या होता है हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सा घोड़ा वाला मैच होता है। अब बुकी मैचेस क्या होता है कि जैसे रेनेगेड्स हो गया और मेलबर्न स्टार्स हो गया, ये दोनों टीमें बुकी मैचेस में भी जो है शामिल हो सकती है। जैसे हमने मेलबर्न स्टार्स को जो है यहाँ पे घोड़ा टीम भी रखा है और बुकी टीम भी रखा है, और इसका रीजन से है कि ये वो टीम है जो कि रेट आपको दे भी सकती हैं और नहीं भी दे सकते हैं। यानी कि अगर जैसे मान लो मेलबर्न रेनेगेड्स जो है एडिलेड स्ट्राइकर से मैच जो है वो खेलता है, एडिलेड स्ट्राइकर 80 पैसे ओपन होता है और आपको लगता है कि रेनेगेड्स फेवरेट आएगा, रेनेगेड्स अच्छा खासा रोक के रखता है रेट को, 70 पैसा पर होल्ड करके रखता है एडिलेड में, बहुत सारे लोग खा लेते हैं और उसके बाद से देखते हो कि आप फिर से 60 पैसा आ गया, फिर 50 पैसा पे आ गया, फिर 50 पे खा लिया, फिर ये 40 चला गया, 30 चला गया, 10 चला गया, और आप सोचोगे कि अब उठ जाएगा, अगर एडलिटे 70 80 पैसा भी आता है तो मैं पलट दूंगा, लेकिन ये उठने ही नहीं देगा। तो वैसे लिए क्या होता है, ये बुकी टीम हो जाता है जहाँ पे आप केवल खाते ही चले जाते हो। सेम वही सीनरियो मेलबर्न स्टार के साथ भी जो होगा, अब ये घोड़ा तो जो है उड़ा सकता है, जैसे मेलबर्न स्टार की हमने बात कही घोड़ा उड़ा सकता है, लेकिन हाईली चांसेस ये भी रहेगा कि ये बुकी में भी जो कन्वर्ट हो जाए, यानी कि 20 पैसा 25 पैसा लग गया दूसरा टीम, तो ये भी हो सकता है कि वो ऊपर ही ना उठे, और चांसेस ऐसा भी है कि ये बहुत ज़्यादा घोड़ा मैसेज दे देते हैं। जब भी इनके मैसेज होंगे आप एक बार नज़र जरूर बनाकर रखना कि क्या ये बुकी में कन्वर्ट हो सकता है या कि क्या ये जैकपॉट उड़ सकता है, घोड़ा उड़ सकता है, तो ये चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और तभी इन पे जो है मैचेस खेलने जाना, तो ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग काम जो है क्या रखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक परफेक्ट जो है वो विनर दिया जाता है, जैसे हर सीरीज में हम लोग जो है वो देते हैं। सेशन की बात करते हैं तो 6 ओवर 10 ओवर 15 और 20 ओवर जो हो आपको ये तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। सेकेंड इनिंग का जो 2 सेशन होता है 6 ओवर और 10 ओवर वो ऑन डिमांड होता है, यानी कि जिनको करना है उन्हीं को मिलता है, सबको नहीं मिलता। और ऐसा इसलिए कि जो सेकेंड इनिंग होता है ना वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है और कोई भी अनसर्टेन चीज़ें जो है वो हमेशा पब्लिकली में जो है नहीं दिया जाता, तो अगर आपको वो खेलना है तो वो ऑन डिमांड जो है आपको लेना पड़ेगा, कि आप क्या कहना पड़ेगा कि हाँ मैं वो भी जो है सेशन खेलूंगा, बाकी ये जो सेशन है ये तो नॉर्मली आपको मिलते ही रहेगा। जैकपॉट कॉल की बात कर लेते हैं, आप देखोगे कि जो यहाँ पे 44 जो है मैचेज हैं जिनमें से हमने 42 यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है कि ये जो है ना एक दो मैचेज जो ऐसे होंगे जो कि शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि वो आपको जो है नो रिजल्ट हो जाए, क्योंकि हर साल एक दो मैसेज हो जाता है नो रिजल्ट, तो इसलिए मैंने 42 यहाँ पे काउंट किया। 42 मैसेज जब देखोगे तो 15 के आसपास जो है आपको जैकपॉट उड़ने वाले हैं, 10 से 12 जो होंगे ऐसे होंगे जो कि सेमी जैकपॉट के रूप में जाएंगे, और 15 से 18 मैसेज ऐसा होगा जो कि बुकी मैसेज होगा जो कि आपको जो है वो हरवाएगा। तब अगर दोनों मैचों में रेशियो देख लो, जिन मैचों में रेट आएगा वो अप्रिकन 20-21 जो मैसेज आपको दिखाई दे देंगे, और 20-21 मैसेज ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल प्लेन मैसेज होगा, बुकी मैसेज होगा, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना होगा। तो आप देखो प्रॉफिट कैसे बनेगा कि आप सारे मैचेस खेलो, इन मैचों में जो है आप बढ़िया से बढ़िया आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उठाओ, और इस मैच में आप अगर लॉस भी करते हो तो बहुत ही मिनिमम लॉस करो या बिल्कुल भी लॉस ना करो, यही जो है स्ट्रेटेजी होता है प्रॉफिट बनाने का। अगर ऐसा आप करते हो तो बहुत अच्छे से प्रॉफिट आप उठा पाओगे, और अगर जो लोग आप सेशन खेलते हो उनमें जो है कोई डाउट भी नहीं होता कि आप सेशन में बढ़िया से प्रॉफिट जो है बना पाओगे। सो अभी लास्ट तक आप वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज मिल गया होगा, और इन चीज़ को आप बिगिनर सेशन एंट्री या फैंटासी खेलने के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इन सब पे इतना ध्यान नहीं देना चाहते हो, डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, डायरेक्टली इस वाले व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ सकते हो जहाँ पे आपको बिगिनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो स्टम्प गुरु सर्च करके, जहाँ
जहाँ पे आपको विनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें खिला दी जाती है, और जो भी टीम 11 फैंटासी से रिलेटेड टीम है वो आपको स्टम्प गुरु पे देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्टली जो है जुड़ के वहाँ से आप इसका एक बढ़िया सा जो है वो ओवरव्यू ले पाओगे। और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।